अशोक गहलोत हो सकते हैं अगले कांग्रेस अध्यक्ष। अशोक गहलोत के पास से लंबा राजनीतिक अनुभव। 25 साल बाद गैर गांधी चेहरा बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष। राहुल गांधी के मना करने के बाद गहलोत का नाम लगभग तय। पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। पिछले 40 साल 50 साल में पदों पर ही हूँ। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। गांधी परिवार का तो है ही है, जितने कांग्रेस जन हैं उन सब के परिवारों का विश्वास मेरे पर ही है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस जनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूँगा। लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूँगा। तो जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, करीब करीब उसका उत्तर मिल गया है। अशोक गहलोत के नाम पर आधिकारिक घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन कांग्रेस में इतिहास दोहराने को है। 2.5 दशक के बाद कांग्रेस को गैर गांधी चेहरा अध्यक्ष के तौर पर मिलने वाला है। नामांकन से पहले सिवनी जाने वाले अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा था कि वो राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं माने तो फिर जो हाईकमान का आदेश होगा। फिर बुधवार को दिल्ली में कहा कि अगर पार्टी अध्यक्ष पर मुझे मेरे साथी देखना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता। इसके बाद ये साफ हो गया कि अशोक गहलोत ही अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गए हैं और माना जा रहा है कि अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना औपचारिकता है, क्योंकि उनके मुकाबले में खड़े बताए जा रहे हर उम्मीदवार पर वो भारी है। अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस के बागी G20 ग्रुप से शशि थरूर पहले ही ताल ठोक चुके हैं। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का नाम भी दावेदारों में शामिल हो गया है। लेकिन दोनों के पास न तो गांधी परिवार का आशीर्वाद है और ना ही वो सियासी और प्रशासनिक अनुभव में गहलोत के आगे ठहरते हैं। 2.5 दशक के बाद ऐसा हो रहा है जब गांधी परिवार से अलग प्रत्याशी मैदान में है। साल 1997 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 3 दिग्गज मैदान में अड़े हुए थे, सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट। तीनों के बीच लड़ाई कांग्रेस के इतिहास में सबसे रोचक किस्सों में से एक मानी जाती है। तब सीताराम केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट दोनों को भारी भरकम अंतर से हराया था। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में गांधी नेहरू परिवार का ही बोलबाला है। 40 सालों में महज 2 बार ही अध्यक्ष पद पर चुनाव हुए हैं। आखिरी बार 22 साल पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए साल 2000 में चुनाव हुआ था। तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। साल 2000 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार को कोई कभी चुनौती नहीं मिली। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर भी कोई चुनौती नहीं दे पाया। राहुल गांधी 2017 से 2019 तक अध्यक्ष रहे। साल 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी, जो अब तक इस पद पर कायम है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करीब 9000 डेलीगेट्स करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज गांधी परिवार का साथ देना होगा, जो जीत और हार तय करेगा। गैर गांधी अध्यक्ष मिलने से पार्टी पर जहां परिवारवाद के आरोप से निपटने में मदद मिलेगी, वहीं 2024 में अगर पार्टी तीसरी बार चुनाव हारी तो गांधी परिवार सीधे निशाने पर नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अशोक गहलोत गांधी परिवार की छाया से निकलकर एक मजबूत अध्यक्ष बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।